द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। इस कालांश में हम अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। संन्यास अर्थात समनिआस से निष्पत्ति है। संन्यास का अर्थ है जीवन में सभी भौतिक इच्छाओं से त्याग रह। कहा गया है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयः विदुः। अर्थात काम्य यानी जो वांछित इच्छाएं हैं उन सभी कार्यों का अच्छी प्रकार से त्याग, अर्थात उनको मन में भी नहीं रखना, वचन में भी नहीं रखना और कर्म से भी नहीं रखना, तब उसे संन्यास कहा जाता है। जीवन में जब मनुष्य 75 वर्ष से ऊपर हो जाए तो उसके पश्चात संन्यास आश्रम को बताया गया है। यह चौथा आश्रम है। इस आश्रम में व्यक्ति को भिक्षु परिव्राजक यति इत्यादि कहा गया है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की मुख्य विशेषता है कि वह पूर्णतः अस्थायी निवास करता है, कहीं भी स्थायी निवास नहीं करता है, वह अकेला रहता है और जीवन में सभी इच्छाओं का त्याग करता है। यह एक आदर्श स्थिति थी। इस अवस्था में व्यक्ति क्रमशः अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ता हुआ पूर्णतः एकांत प्रिय वस्तु रहित मोह रहित हो जाता था। इस अवस्था में व्यक्ति में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लग जाती थी एवं उसके मन में अर्थ और काम नहीं रहता था। यह तपस्यामय जीवन था। सन्यासी के जीवन में राग देश मोह माया को निकालना आवश्यक था। वह अपनी इच्छा अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों और अपने आचरण पर नियंत्रण रखता था। वह संग्रह नहीं कर सकता था अर्थात अपरिग्रह, क्योंकि संग्रह करने पर व्यक्ति में उनके प्रति आसक्ति इच्छा मोह आ जाता है, अतः संग्रह नहीं करने की मुख्य विशेषता मानी गई है। वह अध्ययन के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों को त्यागता था और सभी जीवों से वह समभाव में रहता था। वह वस्त्र सैया आसव अर्थात मदिरा आदि सुख के साधनों का त्याग करके और वह निरासक्त भाव से ज्ञान के लिए इधर से उधर भ्रमणशील रहे। उसके मन में चाहे कांचन अर्थात स्वर्ण और पत्थर, शत्रु और मित्र, राग और द्वेष उसकी दृष्टि में संभाव थे। वह किसी से प्रेम किसी से क्रोध नहीं करता था और इसी लक्षणों वाले व्यक्ति ही सन्यासी व्यक्ति माना जाता था। वह गांव में केवल भिक्षा के लिए जाता था, अन्यथा वह अकेला ही रहता था। और सन्यासी व्यक्ति को तपस्या और योग के द्वारा अपने शरीर को चलाते हुए अंत में योग के द्वारा जीवन का अंत करने की प्रक्रिया का पालन करना था। भारत में यह योग और तपस्या एक विशेष गुण था जिसका उल्लेख सिकंदर के समय में भी आता है कि भारत में स्थान स्थान पर योगी निवास करते हैं जो अकेले रहते हैं और किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। तो निश्चित रूप से यह भारत में परंपरा थी। सन्यासी व्यक्ति भारत में समकालीन समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता था। लोग अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उनके पास जाया करते थे। निश्चित रूप से यह एक आदर्श स्थिति थी। अब हम इन चारों आश्रमों का एक समग्र रूप से विहंगावलोकन करें तो
भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था एक ऐसी विशेषता है जो और किसी संस्कृति में नहीं पाई जाती है। मानव जीवन को आदर्श 100 वर्ष का मानते हुए जीवन की आवश्यकताओं को, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति 4 चरणों में क्रमशः जीवन व्यतीत करता था। जहाँ प्रारंभिक जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसमें व्यक्ति अपने तन, मन और अपनी बुद्धि और संवेगों का उचित विकास करता था। वहीं गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति समाज में आकर के सामाजिक संबंधों को निर्वहन करता था और पंच महायज्ञ इत्यादि करके प्रकृति का संरक्षण करता था। इसके पश्चात जब वह अपनी आयु को 50 वर्ष के पार देखता है और अपने सभी सामाजिक उत्तरदायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन कर लेता है, तो उसे निष्प्रय होकर के धन संपत्ति, चल अचल समस्त संपत्ति को अपनी संतति को हस्तांतरित करके मोह माया को त्याग करके सपत्नीक किसी वन में निवास के लिए जाना होता था। उस समय वह एक स्थान पर रहता था, अध्ययन करता था, परंतु जीवन की अंतिम अवस्था संन्यास आश्रम में व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहता था और वह भ्रमणशील था। जहाँ वानप्रस्थ में व्यक्ति एक स्थान पर रह सकता था, वहीं सन्यासी व्यक्ति के लिए एक स्थान पर ठहरना निषिद्ध था। ये विशेष अंतर है। तो जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की उचित मर्यादापूर्ण व्यवस्थित रीति से लक्ष्य प्राप्ति में आश्रम एक महत्वपूर्ण साधन था। जीवन में आत्मोत्थान के लिए, जीवन का सर्वांगीण विकास के लिए आश्रम व्यवस्था उपयोगी सिद्ध होती थी। प्रश्न आता है कि वर्तमान जीवन में आश्रम व्यवस्था कहाँ तक व्यावहारिक है। इस प्रश्न के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए व्यावहारिक हो सकता है, जब मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में संयमित रह करके सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होकर अपना संपूर्ण ध्यान अपना लक्ष्य की ओर केंद्रित रख सकता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए उपयोगी हो सकता है, गृहस्थ आश्रम भी सबके लिए ही उपयोगी हैं। वानप्रस्थ कुछ सीमा तक जो जिनकी व्यवहारिकता हो सकती है कुछ व्यक्ति के लिए, और संन्यास आश्रम संभवतः बहुत कम अपना पाते हैं। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था पूर्णतः परिचालित नहीं है। केवल ब्रह्मचर्य आश्रम कहीं कहीं पर गुरुकुल पद्धति में, या वर्तमान में हम जो शिक्षण केंद्र देखते हैं जहाँ पर छात्रावास और वहीं पर विद्या केंद्र होते हैं, तो वहाँ पर कुछ अंशों में हैं। गृहस्थ आश्रम भी हैं, परंतु प्राचीन कालीन जो आदर्श था वह आज बहुत कम पाया जाता है। धन्यवाद।